अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट मोहम्मद अफाल, वेलकम टू HMA। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जो थोड़ी बहुत मुतनाज़ी रही मगर तरक्याती काम कराने में उनका कोई सानी नहीं। उनकी यूसी एक मिसाली यूसी है, जबकि उनकी यूसी का 50% से ज्यादा हिस्सा कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। नेहायत ही मुखलिस, बहुत ही अच्छे इंसान, लोगों की मदद करने वाले। हमारे साथ मौजूद हैं UC-65 के एक्स चेयरमैन इमरान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने इस चैनल के बुलाया और गुफ्तगू का जो है मौका फराहम किया। फौरन आपने मोहब्बत दिखाई और आप तशरीफ लाए, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो। तो इमरान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिक्स का जैसे परसेप्शन है वुमन फैमिलीज में, तो क्या आपकी फैमिली ने आपको आने दिया है पॉलिटिक्स के अंदर? लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स था, मैंने MCOM ज्वाइन नहीं की थी, मैंने AP में से ज्वाइन की थी। ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था और जो मेरी टोटल पॉलिटिकल लाइफ है जी, मुझे 32 साल MCOM में हो गए काम करते हैं। ना से मेरा ताल्लुक है वो आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से। 22 साल आपने, 22 साल मैंने, और 10 साल आपने जो MCOM में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मतलब आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स, उसके बाद मुझे जो है तहरीक की हिदायत पर मैंने जो है MCOM में इलाके की सतह पर काम करना शुरू किया। तो सर, पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करने क्यों सोचा आपने? लेकिन जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में गए, हम सब एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं बेसिकली जो कारकुन हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का कारकुन हूँ। ये बड़ा मैंने खुद भी देखा है, तो मैं इसलिए आपसे पूछूंगा, रात देर तक रोड्स पर होते हैं आप, ठीक है, और फिर सुबह आपको दोबारा यूनियन काउंसिल्स में देखा जाता है, तो सोते कब हैं आप? हमारी जो तरबियत है, जो हमारी तंजीम की, हमारी सियासी जमात की जो तरबियत है, तो तरबियत ही यही है कि हम अपने आवाम का जो है वो दर्द महसूस करें, तो वो फिर नींद मायने नहीं रखती। दुरुस्त। हमें अपनी आवाम का काम करना है, उसमें अगर हम ये देखेंगे कि अगर मैं कोई जिम्मेदारी ले रहा हूँ वैसे तो अवामी नुमाइंदे के, मुझे तहरीक ने अपनी तकलीफ करवाया, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि चाहे वो रात के 3 बज रहे हों या सुबह के 6 बज रहे हों, मुझे अगर आवाम कॉल करे तो मुझे रोड पर बोलना है। बड़ी बात है सर। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो जाए, ठीक है, आपको मौका मिले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो कौन सा कानून नाफिज करेंगे? मसावात का। ग्रेट। मसावात जो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे यूसी के हवाले से, तो काइंडली प्लीज लोगों को बताएं, क्योंकि काफी काम इन्होंने करवाया है और मैंने खुद भी देखा, जाते हैं लाइट्स लगी हुई है गलियों में, सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है, तो ऐसा क्या दिल में आया कि आपने सोचा कि नहीं है कि मुझे करवाना चाहिए, क्या थॉट्स थे आपके? देखिए, जब मुझे तहरीक ने एक यूसी चेयरमैन के हिसाब से सिलेक्ट किया कि मुझे आवाम वोट दे इस तहरीक के नाम पर, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारी तरबियत जो बुनियादी तरबियत हमारी तहरीक की वो आवाम की खिदमत है। अगर मैं उससे राय फरार इख्तियार करता तो फिर मैंने इस तहरीक में 32 साल ज़ाया किया। सर, मुझे तहरीक ने चेयरमैन मुंतखब किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने इलाके की आवाम की वो कुछ करूँ जो मैंने सोचा या मेरी तहरीक ने मुझे करने के लिए कहा। अगर मैं ये नहीं करता तो देखिए, बात ये है कि मेरी यूसी में बहुत बड़ा दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है, आपने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत सारी यूसी से बेहतर बहुत सारे कहता हूँ कि आप आए, आप आके विजिट करें हमारी यूसी का। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो काम रह गए होंगे, उसमें यकीनन अगर कोई रुकावट आई होगी तो वसाइल की होगी। हमारे पास वसाइल नहीं थे, जो इख्तियारात थे, जो इख्तियारात ना होने के बराबर थे, उसके बावजूद हमने अपने करने की कोशिश की। अभी आवाम फैसला करेगी क्या हमने वो बेहतर किया अपनी यूसी में। इमरान साहब से हम थोड़ा सा कुछ फनी लेकर आते हैं और उस थोड़ा माहौल को और लाइट करते हैं और कुछ अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारा पहला राउंड है एज यूजुअल जनरल नॉलेज राउंड,
हम इमरान भाई से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इमरान भाई, पहला सवाल ये है मेरा, दुनिया में कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? सी बात है, वो जंगल का बादशाह है, वो शेर ही होता है। ट्रू ट्रू, सही बात। अच्छा, साल का वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? तकरीबन तमाम महीनों में 28 दिन होते हैं। अच्छा जी सर, ये मतलब वो जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहाँ मौत जिंदगी से पहले आती है? तो सारे सवाल बता लोग समझेंगे कि मैंने इन्हें दिखा दिया, लेकिन ट्रू बता रहा हूँ, ये खुद बता रहे हैं, इनकी माशाल्लाह से नॉलेज बहुत ज्यादा। चले जी, हमारा जनरल वर्ड यहाँ पे क्लोज होता है। विल गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। हाँ जी, म्यूजिक। वजीर आजम का बयान, तीन वर्ड्स हैं। वजीर आजम का बयान, बयान। चौधरी का चांद, तीन वर्ड्स हैं। चौधरी का चांद। अंधा कानून, अंधा, दो वर्ड्स हैं। अंधा कानून, अंधा कानून। जबान दराज, जमाना दराज, जमाना नहीं, जबान दराज, जमाना। चले, अब आपसे लास्ट पूछता हूँ, वो आपने बताना कि क्या। पानी का जहाज, पानी का जहाज, जहाज, जहाज। हाँ, लास्ट, पानी का जहाज, पानी का जहाज। लोगों ने कहा थोड़ा कम पूछे, क्योंकि वैसे वो आसान होते हैं, तो थोड़ा नेवर हैव आई एवर में लोग अपने बारे में बताते भी हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो इमरान भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा कि नेवर हैव आई एवर, यानी आपने जवाब देना है आई हैव और नेवर, ठीक है सर? पहला सवाल, बचपन में जब क्रिकेट खेलते हुए आउट होते थे तो और नहीं मानते थे, ऐसा हुआ? कभी दूसरी शादी का करने का ख्याल आया आपको? बहुत दफा है, बहुत दफा है लेकिन जो है वो एक पे इत्तेफाक किया है तो बहुत ज्यादा। आपको मेरे से भाभी को बताया कि शादी करने का है? मेरा मुंह अक्सर बेस्तर फिक्र होता है, लेकिन फिर कहती है जो है वो अगर दूसरी शादी करोगे तो फिर शायद हो सकता है कि मुझसे मुस्तफा हो जाएगी। वो अच्छी सोचती भी नहीं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि काम के दरमियान नींद आई और आप सो गए? बहुत दफा सोए, क्योंकि सारा दिन तो सर आप घूमते रहते हो, लेते हैं पूरी नींद। ऐसे तो नहीं कि वो काम के दौरान नींद आई और दो घंटे के बाद उठे, दो चार पांच मिनट का झटका तो कह सकते हैं कि आप आता है नींद का। सो दिस राउंड इज ओवर सर। रैपिड फायर में हम इमरान भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका वो हमें फौरन से रिप्लाई देंगे, तो चले चलते हैं। लेकिन साथ में हाइजीन ना हो तो रैपिड फायर का भी मजा नहीं आएगा। सो इमरान भाई, प्लीज हैव टी एंड विद दैट वी हैव द रैपिड फायर। इमरान भाई, पहला रैपिड फौरन से आपने आंसर देना है मुझे, ठीक है? सोचना नहीं है इसमें। पैसा या शोहरत? शोहरत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है या कौन सा पॉलिटिशियन आपको इंस्पायर करता है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने मुझसे। अच्छा, ये सवाल का जवाब शायद मैं दे ना सकूं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वैसे आपको पसंद आएगा। कोई शेर या गाना जो आपकी जिंदगी डिस्क्राइब करे, कोई शेर हो या गाना हो? मेरी जिंदगी को मुतासिर करे, मेरी क्या बहुत सालों की जिंदगी को। सो प्लीज सुनाइए इरशाद। जिस खेत से देखा आपको मैं सुन रहा हूँ, उस खेत से वो शायद हम जिंदगी। अच्छा, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? थोड़ी देर खामोश रहते हैं, खामोशी ख्याल रखते हैं। ग्रेट। आपके बारे में ऐसी बात जो दुनिया ना जानती होता है, कोई काम खुली किताब होनी चाहिए। बिल्कुल, खुली किताब होती है, उसका होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब जो है ना जल्दी से कुछ शख्सियात के नाम लूंगा जिनमें आपके जहन में सबसे पहले जो वर्ड आए आपने बताना, ठीक है? पहले हैं
एक्टर कबीर खान साहब। ग्रेट एक्टर। अच्छा शेख रशीद साहब। नजूम। नजूम गुड वन। ओके बिलावल भुट्टो सरदारी। अभी सीख रहा हूँ। अच्छा जी लास्ट पूछता हूँ आपसे, इमरान खान। नो कमेंट्स। ओके सो हमारे यहाँ राउंड क्लोज होता है। मैं ये कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो, आपने आके इसकी इज्जत बख्शी, बहुत खुशी हुई मुझे आपको अपने प्रोग्राम में बुलाकर। सर जाने से पहले मैं दो सवाल आपसे करूंगा। पहला सवाल ये है कि यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज कैमरा इज ऑल योर्स, आप उनको मैसेज दीजिए। आपने वाकई नौजवानों से मुताबिक मुझे कहा कि मैं कोई पैगाम देना चाहूँ। देखिये नौजवान जो है वो इस मुल्क का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस पर नज़र रखते हुए, क्योंकि जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो उन नौजवानों को हक और सच समझते हुए हक और सच का साथ देना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो इस मुल्क की बका के लिए लाजिम। इमरान भाई न्यू जनरेशन के लिए तो आपने मैसेज दे दिया, मगर अब कुछ HTMA के हवाले से भी चंद अल्फाज अदा कीजिए। ये जो आपने चैनल बनाया है HTMA के नाम से जो चैनल बनाया है अफाक भाई, ये आपकी एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि आप भी एक नौजवान हैं और नौजवानों के लिए एक रास्ता है, एक फील्ड है। और मैं ये कहूँगा कि इस सिलसिले को आप जारी और सारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस कोशिश में कामयाब करे और आप जो है इस मुल्क में इस YouTube चैनल में अपना किरदार अदा कर सकें। और मैं आवाम से भी कहूँगा कि इस चैनल की हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी करें और इस पर सब्सक्राइब भी करें और इसकी बेल आइकन को क्लिक करें।